पीछे की सीट्स भी निकल आई है, ठीक है, और पूरा का पूरा जो है गाड़ी बन गया। मैं तो कहता हूँ ये भी चार पाई बिछा के बनाना शुरू हो जाते हैं, पीछे मैट्रेस बिछा देते हैं। पकड़ तो लेते अपने आपको, सीट है ही नहीं, आके गिर रहा, तुम कह रहे हो रेस हो यार। यहाँ से जो है ना मुझे एनर्जी लानी पड़ेगी, वरना फिर रोजे में सुस्ती होती रहती है, और इस सुस्त होने वाला काम हमने नहीं करना भाई। आज के बाद जो है सारे व्लॉग ऐसे ही बनेंगे भाई, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दो भाई, सब्सक्राइब कर। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया उसके मैं घर के अंदर बाहर के मैंने 6 महीने सब्सक्राइब करवा देने भाई। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत। मजाक करो, प्यार मोहब्बत से ही बात करेंगे, लेकिन आज जो है ना थोड़ी एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा चीखे मार लेते हैं। एनीवेज वेलकम बैक हो गया तुम सब के व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी बाय व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक। ये क्या बदतमीजी है? क्या ये क्या लगाया अंदर? ओ भाई मेरा अड्डा होना चाहिए भाई। सर मेरे रूम के अंदर ऐसा नहीं होगा। मेरी तुम्हारा रूम कहाँ पे हो गया भाई? ये मेरी एस्थेटिक खराब कर रहे हो तुम। कौन सा एस्थेटिक खराब कर दिया भाई? एक टेबल ला के रखी है, मतलब बंदा काम शाम कर सके। टेबल है, उठाओ उसको कचरे को। अरूप यार ये मेरा सेटअप है यार, मुझे इतनी सी तो मैं जगह घेर रहा हूँ यार। ये कबाड़ बाहर फेंकेंगे। अरूप मैं नहीं वापस कुछ नहीं करना यार, मेरे यहाँ पे कुर्सी वापस रखो यार, यार चमड़े ना मर जाओ यार। अरूप मेरे रूम की वाइफ ना। अरूप तुम्हारा रूम है ही नहीं, दबाओ जाओ यार। मेरा काम शाम होता रहता है यार, मेरा काम है, देखो मैंने व्लॉग बनाना है, मैंने यार यहाँ पे एडिटिंग करनी है, मैंने गेम शेमें खेलनी है, इतनी सी मैंने पूरे कमरे में, इतने बड़े कमरे में से अगर मैंने ये इतनी सी जगह ले ली है तो तुम्हारी क्यों जान निकल रही है भाई? मेरे पूरे एस्थेटिक रूम, मेरी कोई औकात नहीं यहाँ पे। तो ये मेरा रूम नहीं है क्या? नहीं तुम्हारा रूम बाकी भाई, ये पूरा रूम तुम्हारा है, और ये अगर इतनी सी जगह मैंने ले ली है, तुम्हें बिल आ रहा है, बिल आ रहा है, हाँ आ रहा है मुझे बिल भाई। मैंने इतना छोटा सा अड्डा जो है ना यहाँ पे अपना काम शाम का सेट किया है, इसकी जान निकल गई है भाई, ये तो बदतमीजी है यार। मैंने यहाँ पे काम करना होता है, ड्रामेबाजी तुमने लगाई हुई है यार। अरे मेरे बाल खराब करो यार। छे भले तुमने गंदे हाथ लगा दिए तेल वाले, तुम्हारे बालों में ऑलरेडी तेल आया हुआ, तो जाके नहाओ भाई। नहा लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि आपका भाई जो है ना आजकल ये यूज कर रहा है मैकले लंडन थिक एंड डेंस भाई, ये जो है ना सल्फेट फ्री शैम्पू है, ठीक है, ऊपर से पाकिस्तानी ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड को तो वैसे सपोर्ट करना चाहिए भाई। बिल्कुल, ये सारे बाल जो तुमने मेरे गंदे कर दिए ना वो साफ हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। चेक करो कि इसका फॉर्म कितना बना है, इस जब साथ गंजा हो गया था ना तब साथ के बाल वापस आने। अरे शैम्पू मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉलेज तुम दे जा रही हो यार, क्योंकि मैं भी यूज करती हूँ। पीछे देखो वो भी, ये भी यही पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा शैम्पू लगाया है, झाग जितना बन गया, तो साथ की हरकतें देखो। तो फ्रेश हो गए सल्फेट फ्री शैम्पू मैकले लंडन का इस्तेमाल करने के बाद, थिक एंड डेंस, आप लोग दराज से भी बाय कर सकते हो, पाकिस्तानी ब्रांड है। मैं तो आजकल यही यूज कर रहा हूँ क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है, तो इसने जो है ना हमारा काम सेट कर दिया है। तो आप लोग भी नीचे दी गई लिंक पे जाए, वहाँ पे जाके अपने लिए मैकले लंडन का थिक एंड डेंस शैम्पू परचेज करें। A few inches later, जो साथ में जा रही हूँ मम्मा की तरफ, मेरी इफ्तारी है आज, ठीक है। तो मेरी इफ्तारी मतलब कजन से की हुई थी, तो वो तुम्हें जानते नहीं है ना, तुम्हें नहीं बुलाया। अरु हम दोनों एक ही यूनिट है, तुम्हें बुलाया हो तो मैं खुद जाना, मेरा बंदा है, जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ मैं तुम्हें भी तो लेके जाता हूँ। मैं कभी गया हूँ आउट ऑफ कंट्री ऐसा, कभी अकेला, तुम्हें पूछता भी है कोई? कभी भी इंटरनेशनल कोई ट्रिप होता है बहुत से, तुम्हें कोई किसी को पूछता भी नहीं है, उनसे तल्ले मिलते करके कहना पड़ता है कि यार वो रूप को भी ले जाए साथ। पहले जब हमारा निकाह ही सिर्फ हुआ था तब भी आप अकेले घूमते थे, ट्रिप की जाते थे दोस्तों के साथ, मैं जा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा हुआ गया। तो अरूप की तो स्टारी है, ठीक है, वो चले गई है, ठीक है। आज मैं तुम लोग को प्लान बता दूं क्या है भाई, तुम लोग को पता है कि हमारे पास जो है फॉर्च्यूनर लेजेंडर है, जो कि एक टट्टी कार है, क्योंकि वो बहुत अनकंफर्टेबल है, उसकी जो है ना पत्थर जैसी सीट है, मेरी पिट्ठा जो है ना पेन करता रहता है रात सारी अगर मैं उसमें बैठ जाऊं। तो आज जो है ना हमें उसकी कोशिश करवानी है, तो लड़कियां आए हुए हैं नीचे काम शाम करने में, तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या सीन है भाई। भाई ये चेक करें जी, सीटों का हो रहा है काम भाई, जान कितना टाइम लगेगा यार, यार कैसा ठीक है, बड़े टाइम बाम लगा तोड़ी है भाई, तुम्हें पता नहीं मैंने नया बिजनेस स्टार्ट कर बिजनेस स्टार्ट किया है, ड्रामे ना कर भाई, कैसे आप ठीक है भाई जान, कितना टाइम लग जाएगा और कितना किस तरह से काम स्टार्ट करें हम? बस हम तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यार मैं तुम लोग को दिखा दूं कि भाई इस वक्त काम होने का हवाला है भाई, तुम लोग को पता है फॉर्च्यूनर की जो सीटें हैं ना पत्थर की बनी हुई है, सही है, इसके अंदर फोम भी नहीं डाला, पाकिस्तानी गाड़ी है, तुम लोग को पता है भाई यहाँ से जो है ना मैं बैठता हूँ मेरी कमर दुख जाती है। तू बैठा कभी? नहीं। फॉर्च्यूनर पे? ओ नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, कराना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा भाई, मजा ही आ रहा, सॉफ्ट होनी चाहिए भाई, ये चेक करो पत्थर की बनी हुई सीटें हैं ना, मजा आता है। 2 करोड़ की गाड़ी लेने के बाद इसके अंदर लगा कुछ भी नहीं हुआ, बेकार तरीन सीटें हैं भाई, क्या पता टोयोटा की स्पॉन्सरशिप आ जाए, कुछ थोड़ी तारीफ कर देते हैं, कर देते हैं, मस्त प्लान है, बहुत अच्छी सीटें हैं माशाल्लाह से, क्या लेवल की सीटें हैं, 2 करोड़ में भाई पैसे पूरे हो रहे हैं, चल झूठा। तो इनका जो है ना हमें हल निकालना है, इंशाल्लाह इसका निकलेगा, आपको सॉफ्टनेस पूरी मिलेगी, सॉफ्टनेस पूरी मिलेगी, बादलों वाली फील आने लगी है काशिफ भाई, हाँ जी बादल में बैठने, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो, इसे छापनी
में दोनों चीजें पॉसिबल तो यार ये सीटें हैं, सीट कवर्स हैं, कलर भी मैंने ये वाला करवाया है। ये वाला जो है ना मैंने कलर इसलिए करवाया है क्योंकि फॉर्च्यूनर के अंदर ना मैं ज्यादा काम नहीं करवाना चाह रहा और ये वाला कलर जो है ना पहले ही इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं यहाँ पे ब्लू या फिर डार्क ब्राउन ऐसा करवा देता ना तो फिर ये भी अनमैच हो जाता, फिर इसको भी चेंज करवाना पड़ता, मैं ज्यादा ना खोल नहीं चाह रहा। अच्छा मैंने कुछ मुझे बताया कि ये जो सीटें हैं ये वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएंगी ना, मैंने बेचनी पड़ेगी। बिल्कुल आएंगे जब आप इसको कहेंगे, लेकिन आके हम इसी को रिमूव खुद करेंगे, आपसे नहीं होंगे। बस ठीक है, डन हो गया। सीट्स बाहर निकालेंगे। अभी सीटें जो है ना ये इसका करके बाहर निकल आएंगी, इसके पेच पूच खोल रहे हैं, उसके बाद जो है इसके ऊपर फोम फोम डालेंगे। ये निकल आए जी सीट। ओए होए होए, हैवी होती है हल्की होती है? जा पूछ क्या। हैवी है। अच्छा बड़ी मशीनें लगी हैं भाई, हैं मोटर लगी हुई है ये। तो अब इसके ऊपर जो है ना फोम शोम डलेगा, ठीक है, फिर कवर शवर लगेगा, तो फिर जो है ना ये बिल्कुल मर्सिडीज वाली सीटें हो जाएंगी भाई। अच्छा तो ये बस कवर चढ़ रहा है इसके ऊपर, ठीक है, कोई तोड़ फोड़ किए बगैर या कोई सिलाई खोले बगैर जो है ना इस पे कवर इस तरह से चढ़ जाएगा। तू बैठ के देख क्या हुआ, मजा आ रहा है, चंपे मार के जा। इसको आपने जो है ना रुई कर देना, इतना पीस जो है ना, हाँ इतना पीस पैकिंग लगेगी, बस ठीक हो गया। आप जितना मर्जी सफर तय करें आपको इंशाल्लाह, बस ठीक हो गया भाई। पीछे की सीट्स भी निकल आई हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा जो है गाड़ी बन गया। मैं तो कहता हूँ ये भी चार पाई बिछा के बनाना शुरू हो जाते हैं, पीछे मैट्रेस बिछा देते हैं। ये आखिरी पैसेंजर सीट जो है ना ये भी हो गई है फारिग। चलो जी भाई, अब ये अब तुम लोगों को मुझे नहीं पता कैमरे में कितना नजर आ रहा है, ये पूरी की पूरी जो है ना दो चार पाइया यहाँ पे फिट हो जाएंगी, एक तुम्हारी एक मेरी। गुड हो गया जी। लेट के चलाए? लेट के नहीं चला सकते, बैठना पड़ेगा। आगे नजर नहीं आ रहा लेकिन चला सकते हैं। चलो फिर चलाओ, खड़े होके चला सकते हैं। हाँ अब चला सकते हैं इसे। सीट के बगैर सीट के बगैर हम लोग जो है ना गाड़ी चलाने वाले हैं। पीछे भी कोई सीट नहीं है ना आगे कोई सीट है, इस तरह नजर नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट स्ट्रेट। तू गूगल मैप है बाबे, कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, रिवर्स करो भाई, सीट नहीं है गाड़ी की और हम चलाने वाले हैं भाई। मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। पक्का? हाँ हाँ बाबे, रुक जा रुक जा, कुछ नहीं होता। एक जबल हरकत मार रहे हैं हम, मुझे सामने नजर भी नहीं ना आ रहा। मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा ना। उदे तेरा तो लेफ्ट राइट भी नहीं सही। नहीं नहीं सही है, बताऊंगा। लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट ये दिस साइड। बाबे बाबे बाबे, मेरे गोडे पहले ही गोडे अभी से दर्द हो रहे हैं मेरे। ये सही है, सीटें उतार के ना फुल यो मॉल। चलो ड्राइवर, बस 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 बस, सीट के बगैर में सीधा। वो नीचे बच्ची है, उसको बच्ची को नीचे ना दे देना, बच्ची साइड पे हो जाए बस खुद ही। बाबे सीट नहीं है यार। तो यार ये देख सकते हो, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ओए बाबे बाबे, कुत्ते रेस दो रेस। ओ ओ अरे भाई भाई, क्या कर रहे हो बाबे? बाबे पकड़ तो लेता अपने आप को, सीट है ही नहीं, पीछे जाके गिर रहा। तुम कह रहे हो रेस दो यार, बचत होगी। ओए ओए ओए, विदाउट सीटें गाड़ी चल रही है। नहीं 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 ओ भाई साहब, तो ये माहौल है अंदर से। वैसे ये अच्छा है यार, जगह बहुत है ना, बहुत है ना। हाँ बंदा ये गद्दी रख दे और गाड़ी चलाए सुकून से। चुप कर कुत्ते। तो भाई सीटों के बगैर हमारी गाड़ी चल रही है भाई, सीटें है ही नहीं पूरी की पूरी। मुझे मैं अगर वैसे इस तरह बैठ जाऊं तो भी वैसे चला सकता। नजर आ रहा है? चलो मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ। छोटा बच्चा आ जाए तो फिर नहीं हो सकता। हाँ मुझे डायरेक्शन दे, मुझे नजर मेरी तरफ देखो। बाबे मुझे जरा नजर नहीं आ रहा, मुझे सही इधर जाने का आसार। हाँ ओके, सीधा जाने दो, सीधा जाने दो। ब्रेक मारो, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अब मोरो मोरो, पूरा मोर दो, पूरा मोर लो, पूरा मोर दो। मोड़ी 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 मोड़ी, ये बात बस। लेफ्ट 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 लेफ्ट, आगे भाई के लेफ्ट 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 लेफ्ट। ना ड्राइविंग सीट है, ना पैसेंजर सीट है, ना वो पीछे वालों की सीट है। मेरे ना गोडे दर्द हो रहे हैं वापस। अरे यहाँ पे हल्की सी रेस देने लगा, जोर से पकड़ ले। ओके ओके। ओ बाबे बाबे, मैं खुद पीछे उड़ा बोल रहा था। बस बस बस, बाबे सपोर्ट नहीं है। लगता है ये पागल हो गया। बस बस बस, ये लोगों को दिखा, मैं नीचे बैठ के देखो कैसे बैठे हैं हम लोग। बैठा हूं भाई, वही पीछे देख, मजा नहीं आ रहा पीछे। पीछे वैसे बहुत मजे की जगह है, उससे पहले गोडे एक्सपायर हो, घर चलते हैं। ये अच्छी सी पार्किंग लगा दो के मजा आ जाए। बॉस आ जाइए बॉस। मेरा कंपनी फिटेड काम है, देखें सारा खुला हुआ। हां
कंपनी अच्छा एक कंपनी से ही ऐसा आया है। हाँ जी ये देखा लेकिन क्या लो क्वालिटी है ऐसे जैसे किसी चाइना मार्केट से मंगाया है। यही आप जापानी गाड़ी चेक करेंगे तो आपको उसकी चीज नीटनेस हर चीज मिलेगी, बेहतरीन क्वालिटी की होगी। ब्रांड है चल रहा है बस मेरे जैसे लोगों का फुदू लगा हुआ है। ये आर्मरेस्ट भी खुल गए हैं, ये पीछे की सीट है ठीक है, इसके ऊपर भी पैडिंग होगी, कवर वगैरह चार्जेगा, पूरी गाड़ी की जो सीटें है ना ये मैरून हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में सजेस्ट करो कि यार मैं क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाऊं, वैसे क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाएं। मैं सोच रहा हूं रैप भी करवा लूं। रैप करा लो लेकिन सिंपल ही रखो। ब्लैक कर दूं बस, ब्लैक कर दूं या फिर डार्क मैरून। नहीं ब्लैक सही है, वैसे ये भी अच्छी लग रही है यार ये अच्छी लग रही है लेकिन बोर हो गया हूं मैं इससे, ब्लैक या फिर डार्क मैरून करवा लेता हूं। भाई नीचे कमेंट में सजेस्ट करो कि यार इस गाड़ी का बाहर से क्या क्या होना चाहिए। मैं किट शिट नहीं लगवा रहा क्योंकि गाड़ी वैसे अच्छी दिखती है किट के बगैर, अंदर से अभी हमने फिलहाल के लिए सीटें वगैरह करवाई हैं ठीक है। डैशबोर्ड को भी मैं ज्यादा नहीं छेड़ रहा क्योंकि मुझे जो है ना गाड़ी अपनी ओरिजिनल हाल में वापस भी लेके आनी है। स्क्रीन हो सकता है मैं चेंज करवा लूं ठीक है, क्योंकि ये बड़ी फजूल सी है और यहाँ पे और कोई चीजें लगवा लेंगे बस, ज्यादा ज्यादा इसके अलावा कुछ भी नहीं बाकी ठीक है। तो सीटें तो रेडी हो रही है स्लोली स्लोली, लेकिन इनमें से एक सीट जो है वो पूरी तरह रेडी है, पूरी तरह रेडी है बस ठीक है भाई। बाकी कितना टाइम लगेगा बाकियों में? बस अब हो रहा है जैसे कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह तो आपको हम कहेंगे ओके। ठीक है डर भाई, भाई साहब ने बस जल्दी वाला काम हो जाएगा भाई। ड्राइविंग सीट है भाई ये एक रेडी होगी, बाकी भी रेडी हो जाएगी ना, फिर मैं तुम लोग को एक फाइनल इंटीरियर भी दिखाऊंगा कि अंदर से कैसी लग रही है। अब तो सीटों की कोशिश जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है, बस फिटिंग वगैरह हो रही है। होगी फिट आगे पीछे हो रही है बस ठीक है, बस ठीक हो गया। बैठ के देख लें अभी इसका ये लगेगा इसकी टिंड। हाँ जी गाड़ी की हाइट भी ऊपर हो गई है और मजे की है। जनवन नहीं जनवन वाकई बहुत अच्छी है, अच्छी होगी भाई, सीट का मजा आ गया भाई। अब थोड़ी कंफर्टेबल है, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे बंदा जा सकता है, वरना पहले तो पत्थर था भाई, अब ठीक है पहले से बहुत बेहतर है। अभी बाकी सीटें भी लग जाए फिर मैं तुम लोग को एक ही बार इंटीरियर दिखाता हूँ सारा। A few inches later. अच्छा मैं बाहर ना वो सीटों का काम हो रहा है तो उनका भी रोजा है तो स्टडी वगैरह सेट करनी है ड्राइंग रूम में। कितने लोग हैं? तीन लोग हैं बस, बनाती हूं मैं। हाँ तीन लोग हैं, बर्तन वगैरह मैं लगा देता हूँ। तो इफ्तारी भी हमारी स्टार्ट हो गई है ठीक है, रोजा हम लोग खोल लेते हैं, तू भी खा ले, इफ्तारी वगैरह मुकाते हैं ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है। A few inches later. तो हमारी सीटें हो गई हैं फाइनल जी, भाई साहब भाई मर्सिडीज हो गई है हमारी गाड़ी पूरी की पूरी। मैं तुम लोगों को पीछे से दिखाता हूँ भाई, ये रही ड्राइविंग सीट और ये रही पीछे से पूरी की पूरी जो है हम लोगों ने कलर चेंज कर दी है और कुशनिंग हो गई है। अब मतलब जो है ना डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, मतलब वो जो अनकम्फर्टेबल वाला सीन था ना वो नहीं है भाई। इधर बैठ के देख लेते हैं, बैठ के देख कैसी है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आएगा, मजा आ रहा है, फील हो रहा है, कंफर्टेबल है, गुड है, फील हो रहा है। अब पता चल रहा है कि 2 करोड़ की गाड़ी में बैठे हो। हाय हाय हाय, 2 करोड़ की नहीं हुई वैसे। सीटें कंफर्टेबल भी हो गई है, कलर भी चेंज हो गए, इंटीरियर बड़ा प्यारा लग रहा है, पीछे से दिखाओ। ये है जी सीटों की फाइनल लुक, बिल्कुल जैसी हमारी सिविक थी ना वैसी ही होगी है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा काम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखें। तो काम शाम से फारिग हो गए हैं ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। अभी रूब ने आने वो किसी काम से गई थी अपनी मॉम की तरफ, उसको भी गाड़ी की मॉडिफिकेशन वगैरह दिखाएंगे, दिन में दिखाएंगे भाई। तो फिलहाल लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टक्की भाई ब्लॉग को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं कल। मुझे रैप का राज भी बताना कि भाई बाहर से कैसी करवाए, अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसी की वैसी ही रहे तो वैसी रहने देते हैं, कोई मसला नहीं भाई, मिलते हैं कल। ओके।